नगरोटा उपमंडल के गांव मलाह में शराब के ठेके के बाहर खड़ी स्कूटी में रात को आग लग गई। ठेके में सोए हुए सेल्समैन राजेश कुमार पुत्र हंसराज ने पुलिस को बताया कि लगभग रात 12:30 बजे जब उसकी नींद टूटी तो उसने ठेके के बाहर आग की लपटें देखी। उसने दुकान का शटर उठाया तो देखा कि उसकी स्कूटी जल रही थी, जिसके बाद उसने बाहर निकलकर दुकान में पड़ी बाल्टी से स्कूटी पर पानी फेंका। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे होकर आग को बुझाने में सफल हुए और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। एएसआई अशोक राणा ने बताया कि मामला दर्ज करके पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नगरोटा बगवां से कपिल वासुदेवा।